हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेडिसिन इन्फॉर्मर में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुमो एल टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, इस्तेमाल करने की सही तरीका क्या है, इसका यूज़ डोज, इसका साइड इफेक्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, मैं एक इम्पोर्टेंट टैबलेट के बारे में बात, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुमो एल बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी। दोस्तों, आप किस किस बीमारी में ये टैबलेट काम आती है और किस किस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं? दोस्तों, किसी को क्या होती है, जैसे किसी को मलेरिया हो जाती है, किसी को डेंगू, दोस्तों किसी को दांत में दर्द होती है, किसी को मांसपेशियों में दर्द, किसी को दर्द, दोस्तों किसी को बुखार में दर्द होती है, दोस्तों किसी को सिर दर्द होती है, दोस्तों किसी को जोरों में दर्द, दोस्तों किसी को चिकनगुनिया होती है, दोस्तों किसी को बीसन में सूजन होती है, दोस्तों किसी को पैरों में दर्द होती है, दोस्तों किसी को पेट, किसी को मोच होती है, दोस्तों किसी को कमर दर्द होती है, दोस्तों किसी को साइटिका होती है, दोस्तों किसी को सिफिलिस डिक्स, दोस्तों किसी को एरी में दर्द होती है, दोस्तों किसी को माइग्रेन होती है, दोस्तों किसी को कलाई में दर्द होती है, दोस्तों किसी को असिस्टिव अर्थराइटिस, वायरल फीवर, दोस्तों किसी को प्रेगनेंसी में दर्द होती है, दोस्तों किसी को प्रेगनेंसी में बुखार, प्रेगनेंसी में कमर दर्द, दोस्तों गर्भाशय में ऐठन, दोस्तों किसी को प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में दर्द होती है, दोस्तों किसी को गर्भाशय व्यवस्था में पेड़ों में दर्द होती है, दोस्तों किसी को हाथ में दर्द होती है। दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका सेवन ना करें बिल्कुल। तो दोस्तों, आप बात करेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या कंपोजिशन या फिर इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ। तो गाइस देख सकते हैं, इसमें पारासीटामोल 650 mg डाला हुआ, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में, बहुत ही अच्छा कंपनी, बहुत ही पुराना कंपनी। तो गाइस देख सकते हैं, एलकेम हेल्थ साइंस ने मैन्युफैक्चरिंग किया, बहुत ही अच्छा कंपनी, बहुत ही पुराना। दोस्तों, आप बात करेंगे इसका इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको फीवर या इनमें से कोई भी संकेत मिलते हैं या है तो दिन में दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी इसका इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से परामर्श कर ले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें गाइस। तो दोस्तों, आप बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं, 30 rupees में मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज। तो दोस्तों, आप बात करेंगे, दोस्तों ऐसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट दिखने को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा साइड इफेक्ट दिखने को मिल सकती है, जैसे मतलिया, उल्टी, चक्कर आना, पेट में गैस, एलर्जी, दोस्तों किसी को लाल चकते हो सकती है। दोस्तों, इसके सामान्य साइड इफेक्ट, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप बात करेंगे सुमो एल कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी पहले से है तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, जैसे ड्रग एलर्जी, गुर्दे की बीमारी, दोस्तों किसी को शौक लग जाती है, किसी को पेशाब की लत लग सकती है, दोस्तों किसी को लीवर रोग है, दोस्तों किसी को न्यूट्रोपोनिया, दोस्तों अगर आपको ये सब पहले से बीमारी है प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर उचित समझे तो आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, दोस्तों ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इससे भी अच्छे अच्छे मेडिसिन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो गाइज, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।